हेलो एवरीवन, दिस इज राम रैना और आपके साथ मैं नई नई कहानियों के साथ जुड़ने जा रहा हूं। आपको ये कहानियां नई प्रेरणा और नई दिशा देगी। आज की कहानी का शीर्षक है चलते रहने की जिद। एक शहर में मोनिश नाम का एक लड़का रहता था और वो पूरी तरह से अपने फिटनेस पर काम करता था। मैराथन रेस में वो भाग लेता था, लेकिन आज तक उसने कोई भी मैराथन रेस कंप्लीट नहीं की। अब नई मैराथन के लिए उसने तैयारियां शुरू कर दी, प्रैक्टिस शुरू कर दी और जब नई रेस का दिन आया तो उस दिन वो हिस्सा लेने के लिए मोनिश वहां पर पहुंच गया। बंदूक की धाई के साथ मैराथन रेस शुरू हुई और बहुत सारे लोग एक साथ दौड़ने लगे। मोनिश भी उनके साथ दौड़ने लगा। कुछ ही किलोमीटर तक मोनिश जोश के साथ जब दौड़ रहा था तो उसे थकान से महसूस हुई। जब वो थकान महसूस होने लगी तो उसके अंदर से उसे उस रेस से हटने के लिए उसे एहसास होने लगा। लेकिन जैसे ही वो एहसास हुआ, उसके मन से एक आवाज आई कि मोनिश, यू कैनॉट बैक आउट, अब तुम्हें आगे ही बढ़ना है, तुम्हें आगे चलते ही रहना है। बस इसी जोश के साथ वो दौड़ने लगा, लेकिन उसके पैर थक चुके थे। अब वो लड़खड़ाने लगा तो देखा कि वो दौड़ नहीं पा रहा है। तब वो एक जगह जाकर बैठने की सोचने लगा। जैसे ही वो वहां पर बैठने की सोचने लगा तो उसके अंदर से आवाज आई कि मोनिश, तुम्हें रुकना नहीं है, तुम्हें आगे बढ़ते रहना है और इस रेस को इस बार पूरी कंप्लीट करना है। और उसी जोश के साथ उसने ये सोचा कि मैं दौड़ नहीं पा रहा हूं, तो मैं धीरे धीरे जॉगिंग करते हुए इस रेस को कंप्लीट करूंगा। और उसने जॉगिंग शुरू की। थोड़े ही किलोमीटर दूर जॉगिंग करने के बाद उसके पैर दुखने लग गए। अब वो लड़खड़ाने लगा और उसके दिमाग में आया कि अब इस रेस से उसे हट जाना चाहिए, अब वो रेस कंप्लीट नहीं कर पाएगा। तभी उसके दिमाग में फिर एक आवाज आई कि नहीं, अब नहीं छोड़ना है, तुम्हें आगे बढ़ते रहना है। इसी सोच के साथ उसने सोचा कि मैं दौड़ नहीं पाया तो मैंने जॉगिंग किया, अब मैं जॉगिंग नहीं कर पा रहा तो मैं चल के इस रेस को कंप्लीट करूंगा। तो वो चलने लगा और जैसे ही कुछ दूर पे चला तो उसे फिनिशिंग लाइन दिखाई दी। उसकी आंखों में चमक आई कि आज वो फिनिशिंग लाइन कंप्लीट करेगा। उसी दौरान उसके दो कदम चलने के बाद उसके पैरों की एक नस खिंच गई। जब वो पैर की नस खींची तो वो लड़खड़ा के नीचे गिर गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए कि अब वो रेस कंप्लीट नहीं कर पाएगा। और जैसे ही उसने पूरे तरह से हार मानने की सोची तो उसी वक्त उसके दिल और दिमाग में फिर एक आवाज उठी कि नहीं, अब मुझे नहीं छोड़ना है, मुझे ये रेस कंप्लीट करना है। मैं लड़खड़ाते हुए, चलते हुए, गिरते हुए इस रेस को मैं कंप्लीट करूंगा। उसी जोश के साथ मोनिश उठा और अपने कदम उस फिनिशिंग लाइन की तरफ बढ़ाए। जैसे ही वो फिनिशिंग लाइन को क्रॉस किया, मोनिश की आंखों में आंसू आ गए और वो जमीन पर लेट गया। और उसको जो आत्मसंतुष्टि मिली, वो आत्मसंतुष्टि उसे आने वाली जिंदगी की सारी रेस जीतने के लिए काफी थी। दोस्तों, चलते रहने की उस जिद, आगे बढ़ते रहने की वो जिद उसे उस फिनिशिंग लाइन को क्रॉस करवा दिया। ऐसे ही हमारे जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां आती है, बहुत सारे हर्डल्स आते हैं, चैलेंजेस आते हैं। उस वक्त अगर हम एक्सक्यूज दे दें, अगर हम सिचुएशन में कंडीशन दे दें कि भाई ये कंडीशन में हम बाहर निकल जाएंगे, अब नहीं कर पाएंगे, तो उस वक्त आगे चलने की वो जिद आपके अंदर रहनी चाहिए जिससे कि आप वो फिनिशिंग लाइन क्रॉस कर पाए। विद्यार्थी जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां आती है, स्कूल दूर होते हैं, फीस भर नहीं पाते हैं, पढ़ाई करने के लिए उपयुक्त स्थान नहीं होता है, जैसे कि 7-8 घंटे पढ़ना है
घर में बहुत सारे लोग हैं, टीवी है, मोबाइल है, ये दुनिया भर की चीजें हैं, लेकिन अगर आप उतना नहीं कर पा रहे हैं तो छोड़िए मत, 2 घंटा कीजिए लेकिन आप करिए। अगर आप बिजनेसमैन में हैं, अगर आपके पास कुछ टारगेट्स हैं, वो टारगेट अचीव नहीं हो पा रहे, शायद मॉनसून का प्रॉब्लम हो सकता है, अभी कोरोना का प्रॉब्लम्स है, दुनिया भर के आपके सामने प्रॉब्लम्स आएंगे, लेकिन अगर आप 100% नहीं कर पा रहे, अगर आप 20% कर पा रहे हैं तो वो करिए, उससे पीछे मत हटिए, वो करते रहिए, आप फिनिशिंग लाइन क्रॉस करेंगे। जो जिम कर रहे हैं, जो फिटनेस फ्रीक है, जो स्पोर्ट्स में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो उम्र को लेके बहुत टेंशन है कि हमारी उम्र निकल गई, अब हम आगे क्रॉस नहीं कर पा रहे, बिल्कुल भी नहीं, हमें वो जिद अंदर रखनी है चलते रहने की। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, दुख रहा है शरीर आपका, उठ नहीं पा रहे, बिल्कुल भी आस मत छोड़ो, दूसरे दिन फिर तैयारी करो, फिर 10% से करो, फिर 20% करो, फिर 30% करो, हमें आगे बढ़ते रहना है और आगे बढ़ने के लिए चलते रहने की जिद अंदर कायम करनी है। तो दोस्तों, इसी जिद को अपने अंदर जगाइए रखिए, अपने आप से बात करते रहिए और अपने आप को मोटिवेट करते रहिए। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको रोक सके, बस आप खुद ही अपने आप को रोक सकते हैं, इसलिए अपने आप को रुकने न दें, आगे बढ़ने दें। धन्यवाद। अगली ऐसी ही प्रेरणादायक स्टोरी के साथ मैं आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्ते।